सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी बैक टू आवर चैनल। बहुत अजीब सा लग रहा है व्लॉगिंग करने में आज। अजीब सा इसलिए लग रहा है क्योंकि अकेले हूँ, मुझे थोड़ा सा भी नहीं पता है कि वीडियो कैसा बनेगा कैसा नहीं, सही वीडियो बनेगा या नहीं। अकेले हूँ, थोड़ा सा अजीब लग रहा है बहुत। बाइक ज़्यादा स्पीड नहीं चलाएंगे क्योंकि मेरा बाइक का कंडीशन अभी ठीक नहीं है। चल झूठा। अकेले रहना सीखना करना, हर चीज़ अकेले करना पड़ जाता है भाई लोग। हर कोई हर टाइम साथ नहीं रह पाता है, ठीक है, समझ गया। एक टाइम के लिए हर कोई आपके पास रहेगा बस। आज कुछ ज़्यादा ही मोटिवेशनल वाला ब्लॉग होने वाला है, नहीं ऐसा कुछ नहीं। ट्राई करूँगा कि अच्छा थोड़ा बनाऊँ। भाई थार हटना यार। अरे यार रेमिंग, भाई थार हटना यार। बाइक का मेरा कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका है। चैन स्पॉकेट पूरा मेरा ख़राब हो चुका है। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? समझ लेना लोग प्लीज़, अकेले हूँ, थोड़ा नर्वस फील हो रहा है ब्लॉगिंग करने में। कोशिश करूँगा गाइस कि डेली ब्लॉग अप करूँ। चुप, बिल्कुल चुप। तुम भी लोग बोलोगे लोग कि सिर्फ बोलता है कि डेली ब्लॉग करूँगा। डालता हूँ वीडियो 6-6 महीने पे 7-7 महीने पे। क्या करूँ गाइस, लाइफ बहुत बिजी चल रहा है। जानते हो मैं क्या सोच रहा था कि अरे यार ब्लॉगिंग करने निकलूँगा, अकेले हूँ, कोई साथ में है नहीं, साला कैसा लगेगा कैसा नहीं। एक हाँ, जब निकला ब्लॉगिंग करने उस टाइम थोड़ा सा अजीब लगा, अब नहीं लग रहा है, अब लग रहा है हाँ सही है, कर लेंगे ब्लॉगिंग अकेले भी, किसी का ज़रूरत नहीं है। शायद मेरा बहुत दिन हो गया था ना ब्लॉगिंग का, इसीलिए मुझे लग रहा था ऐसा करते। यूट्यूब पे कमेंट आते हैं ना, जो मैं शॉर्ट्स डालता हूँ तो कमेंट आता है, भाई लॉन्ग वीडियो कब आएगा, भाई यहाँ पर आना, भाई आ रहा मैं कहाँ से। परसों भाई ने मैसेज किया, भाई लॉन्ग ब्लॉग कब डालोगे। अच्छा लगा यार, मतलब कोई तो है ना देखने के लिए अपना ब्लॉग, एक भले एक ही बंदे हो या दो बंदे हो, लेकिन हाँ मेरे ब्लॉग्स देखते हैं लोग, पसंद करते हैं थोड़ा। अरे मेरा कॉलेज की वजह से ना सब छूट रहा है, सब कॉलेज की वजह से छूट रहा है और कुछ प्रॉब्लम भी आ जा रहा है, नहीं तो मैं कंटिन्यू कर ही दिया था ब्लॉग। कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, इसी की वजह से ब्लॉगिंग छूट रहा है, और कोई रीज़न नहीं है। मेरा हेलमेट ऐसा है कि फेस नहीं दिखता है, नहीं तो अगर फेस दिखता ना तो मैं कसम से ब्लॉग नहीं बना पाता आज। मतलब बहुत अच्छा बाइकर्स आता है, सब आकर अपना ब्लॉग बना कर जाता है लोग। मैं सोचते रह जाता हूँ कि ब्लॉग करूँ, सब करके चले जाते हैं और मैं सोचता रहता हूँ ब्लॉग करूँ। विशुद्ध चूतिया लड़के हो तुम, चुप रहो। और अभी मज़ा आ रहा है मेरे को, अभी ब्लॉग करने में बहुत मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। देखो सोलो निकला हूँ, तुम लोग को मेरा शैडो दिख रहा है नहीं? बहुत मतलब मेरे से अच्छे आते हैं लोग, कैसा लगेगा मोबाइल से ब्लॉगिंग। फिर सबको साइड में रखा, चला आज ब्लॉगिंग किया जाएगा प्रॉपर, देखो कैसा ब्लॉगिंग बनता है। मेरा चैन स्पॉकेट सही रहता ना, कसम से बोल रहा हूँ, अभी तुमको अपनी ड्यूकी का टॉप एंड निकाल के दिखाता। मैं डाल के उसमें मैं बोला हूँ कि इसका नेक्स्ट और वीडियो आएगा, वो सब वीडियो मैं नहीं डाल पाऊँगा क्योंकि मेरा जो मोबाइल था पोको वाला, वो मेरा मोबाइल एक्चुअली गुम हो गया। अब कहाँ गुम हो गया, कब गिरा वो मुझे नहीं पता, उसी में मेरा बहुत सारा मतलब बहुत सारा ब्लॉग था। सासाराम जा रहा हूँ तो उस टाइम का भी ब्लॉग था, उसमें वीडियो था, तो वो सब अब मोबाइल ही गुम हो गया तो क्या ही डालूँ। सॉरी गाइस, ये मैं दूसरा मोबाइल से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, पोको वाला नहीं है। पटना में इतना चेकिंग हार्ड हो गया है ना कि बिना डबल हेलमेट के आप कहीं निकल नहीं सकते हैं।
बाइक पे दो जन, ऑनलाइन चलान मरा जाएगा। चुप हो जा सातवीं फेल। One minute later. Enemy spotted. Guys, दो गाड़ी यहाँ पर है। पटना में पूरा सिक्योरिटी बढ़ा दिया गया है, ये सब मतलब मामले, ये सब ट्रैफिक के मामले में, जैसे बाइक राइडिंग सर होना भी चाहिए गाइस। लोग हम लोग की सेफ्टी के लिए ही कर रहे हैं लोग, तो कभी भी हेलमेट पहन के बाइक चलाओ। बिना हेलमेट के मैं दो बार एक्सीडेंट हो चुका है। मैं जानता हूँ क्या होता है बिना हेलमेट का बाइक चलाने का नतीजा। इसलिए गाइस मैं बोल रहा हूँ, मतलब मेरा बात पे कोई गौर तो नहीं करेगा, लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूँ कि गाइस कभी भी बाइक चलाओ तो बिना हेलमेट का रस राइड मत किया करो लोग। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। अरे ये जो बीच में है ना, खट खट, मतलब बैलेंस बिगाड़ दे रहा है। अच्छा मैं भी कभी कभी बाइक तेज चला लेता हूँ। नहीं देख रहे हो कितना मेरा चैनस पॉकेट वॉच कर रहा है, खट खट, इसीलिए मैं बाइक तेज नहीं चला पा रहा हूँ। भूख भी लगा है, लेकिन अगर मैं खाने के लिए रुकूँगा तो हेलमेट निकालना पड़ेगा। हेलमेट निकालूँगा तो पूरा, मतलब जैसे मैंने सेट किया, बहुत मेहनत से सेट किया हूँ, अगर एक बार निकल गया ना फिर सेट करना बहुत ही मुश्किल है। भाई मैं कमेंट करना, लोग रोज ब्लॉग डालो क्या ऐसे ही? अगर तुम लोग कमेंट करोगे लोग ना, कसम से डालूंगा। थोड़ा सा बोला था ना, थोड़ा सा दिखाऊंगा, ज़्यादा नहीं। मेरी बाइक तो और ग्रसते हुए निकलती है, हटो 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 हटो। उफ, क्या साउंड लगता है इसका। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा सोलो राइड विथ ब्लॉग? हमको पता है अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर भी लाइक करना भाई, कमेंट करना, और कमेंट करके बता देना कि रोज़ डालूँ क्या, मतलब ऐसा ब्लॉग। तो थोड़ा थोड़ा रोज़ डालूँगा मैं ब्लॉग और वीडियो। पता है मुझे अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी लाइक करना, कमेंट करना, और चैनल पे मेरे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। ठीक, वीडियो देख के जाना पूरा, मुझे पता है अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी देख के जाना भाई के लिए। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा, बी सेफ, राइड सेफ। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो, या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।